जिनके ऊपर रत्ती भर एक्शन नहीं लिया गया है, ऐसा कैसे हो सका है? महिला सुरक्षा का दंभ भरने वाली केंद्र की सरकार, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का खोखला नारा देने वाली केंद्र की सरकार, तथा कथित डबल इंजन की सरकार, और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मतलब घास काटने गई युवती उसका शव मिलता है, हाथ पैर बंधे हुए एक सड़ी गली लाश एक युवती की मिलती है, 2 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और एक शब्द नहीं आता है शासन से। ये किसकी जिम्मेदारी है? और हो सकता है मैं आपको बड़ी उत्तेजित इस मामले में लग रही हूं, लेकिन हाँ उत्तेजना है, इससे गुस्सा आता है, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। पर क्या यह नया है? दुख के साथ कहना पड़ता है नहीं, भाजपा शासित प्रदेशों में नया नहीं है। एक पहाड़ की बेटी जूझ रही है अस्पताल में, 2 साल की बच्ची, और एक पहाड़ की बेटी अंकिता ठाकुर भी थी। आप सबने पढ़ा होगा उत्तराखंड का वो मामला, सभ्य समाज के नाम पर एक धब्बा है। भाजपा के नेता का लड़का उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता है, वो 19 साल की लड़की अपने घर से कुछ सपने लेकर निकली थी, उसको जिस्म फरोशी के लिए मजबूर करता है, जब वो मना करती है उसकी हत्या कर देता है, और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी चुप रहती है। मेरे संज्ञान में लाया गया कि यहां पर महिला बाल विकास मंत्री स्मृति जी घूम रही हैं। ये नया नहीं है। स्मृति जी महिलाओं पर, बच्चों पर, कुपोषण पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर एक शब्द नहीं बोलती हैं। लेकिन क्या आप आज भी चुप रहिएगा? एक पहाड़ की बेटी जूझ रही है, दूसरी पहाड़ की बेटी के साथ जघन्य अपराध आपके नेता के लड़के ने किया है, और आपने क्या किया? आपकी सरकार ने, आपने बुलडोजर चलवा दिया जिससे कि सबूत ही सारे मिट जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। आग लगवा कमरे में, बुलडोजर चलवा दो, सबूत मिट जाए। लेकिन मामला यहां नहीं थमता है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं और जंगल राज है वहां पर औरतों का। पढ़ा होगा ना अपने हाथरस की बेटियों को कैसे 2:30 बजे रात को मिट्टी का तेल